आज हम सबों का मुलाकात विपक्षी दलों के सभी सदन के जितने नेता रहे विपक्षी दलों के, कल हम लोगों ने समय लिया था मुख्यमंत्री जी से मिलने का जातीय जनगणना को लेकर के, और मुख्य पार्टियां विपक्षी दलों में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएमएल, सीपीआई, सीपीएम और एआईएम के सभी साथी जो हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने हम लोग आज पहुँचे। और आप लोग जान रहे हैं कि पिछले सत्र में हम लोगों का प्रस्ताव था सभी विपक्षी दलों का कि भारत सरकार जो है कास्ट सेंसस जो है वो कराने का काम करे। हम लोग प्रधानमंत्री जी से भी मिलने गए, डेलीगेशन भी गई, उसमें मुख्य दो प्रस्ताव हम लोगों का था कि मुख्यमंत्री जी जो हैं साथ हम लोगों के चलें, प्रधानमंत्री जी से मिलें और बात को रखें। अगर भारत सरकार कराती है तो ठीक है, नहीं तो राज्य सरकार जो है अपने खर्चे पे कराने का काम करें। तो आज हम लोग सभी लोग आगे आज हम सभी लोग मुख्यमंत्री जी से अपनी बात को रखे हैं कि जातीय जनगणना जैसा हम लोगों से वादा किया गया था कि राज्य सरकार अगर भारत सरकार नहीं कराती तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराएगी। हम लोगों ने सारे बातों का जिक्र मुख्यमंत्री जी के सामने किया, सभी साथियों ने ज्ञापन भी हम लोगों ने दिया जिसको हम लोगों ने अभी आपको दिखाया, इसको सार्वजनिक भी हम लोग कर देंगे। इसमें मीटिंग के बाद फैसला ये निकल के आया कि जल्दी ही दो चार दिनों के अंदर सर्वदलीय बैठक सभी पार्टी के जितने भी बिहार विधानसभा में पार्टियां हैं उन सब की बैठक को बुलाया जाएगा। और हम लोगों का लगातार संघर्ष चलता रहा कि जातीय जनगणना जो है होनी चाहिए, सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया। और सर्वदलीय बैठक जब होगी तो इस पे चर्चा होगी कि दो बार बिहार विधानसभा से प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पारित किया गया और विषय जातीय जनगणना का होगा कि राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए, उसमें जो पार्टियां जो सुझाव दें। लेकिन सब लोगों ने सहमति तो जताई ही थी, तभी सर्वसम्मति से जो है पास हुआ है। इसमें हमने बस मुख्यमंत्री जी से यही विनती की है कि एक टाइम बाउंडेशन के अंदर जो है ये होना चाहिए, और अगर इसी सत्र में अगर घोषणा हो जाता तो बेहतर होता। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने तो पहले भी कहा था कि भाई अगर भारत सरकार नहीं कराती तो हम कराएंगे, तो अब ये बात तो तय है कि जातीय जनगणना जो है वो होने जा रही है। अब कैसे होगी, क्या स्वरूप होगा, कब से इसका काम शुरू होगा, यह सर्वदलीय बैठक के बाद जो है पूरी तरीके से क्लैरिटी जो है आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन हमें खुशी है कि लालू जी जो सड़क पर बिहार बंद जिन्होंने किया था कई वर्षों पहले, और लगातार हमारे सभी दलों के साथी, चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले के लोग हो या और विपक्ष के दल हमारे जो साथी हैं, सब लोगों का भरपूर सहयोग जो है और मजबूती के साथ जो है इन बातों को, चाहे सदन के बाहर हो, सदन के अंदर हो, एकजुटता के साथ जो सरकार पे दबाव बनाने का काम किया, इसके लिए हम सभी अपने सहयोगी दलों को भी धन्यवाद देते हैं।